ओपन पोर्स हमारे चेहरे की ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से हमारे चेहरे की जो रंगत है वो बहुत ही बेकार लगने लग जाती है। चेहरे पर ओपन पोर्स होने के कई कारण हैं। ओपन पोर्स त्वचा पर छोटे गड्ढे जैसे छिद्र होते हैं जो उन लोगों की स्किन पे ज़्यादा होते हैं जो अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, जिनकी स्किन बहुत ही ऑयली होती है या और अगर बिना किसी सनस्क्रीन वगैरह लगाए धूप के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। दूसरा रीजन एजिंग भी होता है। समय के साथ त्वचा की कोशिकाएं कोलेजन और इलास्टिन को खो देती हैं जो आपकी त्वचा को फैलाता है और छिद्र दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि हमारे जो फेस है उस पर ओपन पोर्स की समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। पोर्स के बंद होने से हमारे चेहरे पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती हैं, जैसे कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स वगैरह की समस्या दिखाई देने लग जाती है और हमारा जो चेहरा है उस पर ब्लैकहेड्स वगैरह की जो समस्याएं वो दिखाई देने लग जाती हैं। अगर आप भी अपने ओपन पोर्स की समस्याओं से परेशान हैं तो आज का जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसका यूज़ अगर आप अपने चेहरे पर करते हैं तो ये आपके चेहरे से ओपन पोर्स की समस्या को ख़त्म करेगा, स्किन की रंगत को निखारेगा, आपकी स्किन पर जो भी डार्क स्पॉट वगैरह हैं उसको कम करेगा और चेहरे पर एक अलग ही चमक देगा। और अगर धूप के कारण आपका जो चेहरा है वो काला पड़ रहा है वो कालापन भी आपके चेहरे से खत्म करेगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में साथ वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि ये जो रेमेडी है मैंने किस तरीके से रेडी किया और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन करना है, क्या बेनिफिट आपकी स्किन को ये देगा। यहाँ पर सबसे पहले हम जो लेंगे वो लेंगे मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी जो होती है ऑयली त्वचा के लिए बहुत ही फायदे देती है, चेहरे के जो बंद पोर्स और ओपन पोर्स हैं उनको क्लीन करती है, चेहरे पर एक्स्ट्रा ऑयल को बनने नहीं देती जिसकी वजह से हमारे जो स्किन है उस पर पिंपल जैसी समस्याएं क्रिएट नहीं होती, चेहरे की जो ड्राइनेस होती है उसको भी ख़त्म करती है, चेहरे को सॉफ्ट एंड मुलायम बनाती है और इसके रेगुलर यूज से चेहरे के जो पोर्स हैं बहुत ही क्लीन हो जाते हैं और मिनिमाइज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो चेहरे की रंगत है वो सुधरने लग जाती है। ये हमारे चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करती है। दूसरा हम इसमें डालेंगे दही। दही जो होती है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, दही में लैक्टिक एसिड भी भरपूर मात्रा में होता है जो कि हमारे जो चेहरा होता है उसकी मृत कोशिकाओं को एक्सफोलिएट करने और त्वचा को क्लीन करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इसकी वजह से चेहरा अंदर से क्लीन होता है और ये हमारे चेहरे पे ऑयल के प्रोडक्शन को कम करती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ऑयली नहीं होती और चेहरे पे एक्ने की प्रॉब्लम नहीं बनती। ये चेहरे का जो पीएच लेवल होता है ना उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बनाती है, जिससे चेहरे पर टैनिंग, डलनेस और पिगमेंटेशन की जो समस्या होती है उससे चेहरे को निजात मिलती है। तीसरा हम इसमें जो डाल रहे हैं वो रोज़ वाटर डाल रहे हैं। रोज़ वाटर हमारे जो पोर्स होते हैं उनको बहुत ही डीप क्लीन करता है, पोर्स की गंदगी को निकालता है, चेहरे की रंगत को बढ़ाता है और चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं उसको ख़त्म करता है और हमारी जो स्किन होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है। अब इन सबको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अपने फेस पे इसका एप्लीकेशन करेंगे। अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद हल्की सी इसकी मसाज अपने फेस पर करेंगे एक मिनट के लिए। एक मिनट बाद इसको आप अपने फेस पे जब तक लगा रहने देंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से आपके चेहरे पर सूख नहीं जाता। जब ये सूख जाएगा तब आप इसको नॉर्मल पानी के साथ में वॉश कर लेंगे। ये आपके चेहरे की अगर ज़्यादा ही समस्या है तो आप इसका डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, ओपन पोर्स की कम समस्या है, तो आप इसको अल्टरनेट डे पर यूज़ करें। बहुत ही अच्छा असर ये आपकी स्किन पर दिखाएगा, आपकी स्किन की जो रंगत है वो खुलने लगेगी, आपके चेहरे के जो बंद और ओपन पोर्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर और भी डलनेस नहीं होगी। अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इसको आप रेगुलर बेस पर ही यूज करें। यहाँ पर अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में साथ वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पे फेस एंड हेयर से रिलेटेड बहुत सारे डीआईवाई जो है वो मैं शेयर करती रहती हूँ इस चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, इससे क्या है आगे की जो भी रेमेडीज मैं फ्यूचर में अपलोड करूंगी अपने चैनल पे उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा, जिससे क्या है आप उन रेमेडीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। इन रेमेडीज को आप भी रेडी कीजिए, इसका एप्लीकेशन अपने ऊपर कीजिए और जो भी बेनिफिट आपको लगता है वो जो एक्सपीरियंस है आप मेरे साथ में कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे शेयर कीजिए कि आपको जो मेरी वीडियो वो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो भी आप मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अगर नहीं पसंद आई तो भी आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ में शेयर कीजिए। यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।